मॉर्निंग गाइस, क्या कर रहे हो आप सब लोग? मैं अब चाय बना रही हूँ। अभी ये उठे ही नहीं है, देख लो ये सोए पड़े हैं। ये डेली सोए रहते हैं, ये सब बोलेंगे तुम सुबह पूरे दिन। इधर मैंने चाय भी बना दी है लेकिन अभी तक ये उठे तो उठ जाओ, चाय वाय पी लो। गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे सबको? गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जय श्री राम बोला। जय श्री राम शुरू करेंगे। अभी आज लेट होगी, मैं 10:30 हो रहे हैं। अभी तक मैंने कोई भी काम शुरू नहीं किया क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी और फिर मेरा थोड़ा फ़ोन पे काम, लैपटॉप पे काम था तो मैं वो काम कर रही थी। आज 10:30 हो गया और अभी मुझे पता चला है कि हमारी बुआ भी आने वाली है, तो अभी मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा है। आज तो मैं नहाई भी नहीं हूँ अभी, वरना मैं नहा लेती थी सुबह को, और अभी सारा काम ऐसे ही पड़ा है। अब जल्दी जल्दी सारा काम करते हैं और फिर आपको अपनी बुआ से आज, ओके, बुआ को दिखाऊंगी। देखना, काफ़ी लेडीज आ रही हैं उनके गांव से, कई मैं आ रही हैं, तो दिखाते हैं आपको कौन कौन आता है आज। ज़्यादा नहीं तो बुआ से तो मिलाएंगे आज आपको। ओके, लेट्स गो। मैं यहाँ पे ये गंदे कपड़े पड़े थे, मैं एक हफ्ते के कपड़े धोती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं लग पाता मुझे, तो मैं कपड़े ले जा रही हूँ गंदे कपड़े। नीचे वॉशिंग मशीन रखी, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दूँगी। देखती हूँ कल नहीं तो परसों, बृहस्पति में तो नहीं दूँगी, फ्राइडे में ही दूँगी, अब तो शुक्रवार में ही दूँगी, जब भी दूँगी। अब मैं नीचे आ गई हूँ, यहाँ दीदी के बर्तन साफ़ कर रही थी, नीचे भी बुआ जी के आने की वजह से जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही थी दीदी। और भी मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी, अब मैं मम्मी जी से मिल लेंगे ये अंदर, जल्दी जल्दी काम कर ले और नहा धो के नीचे आ जा, बुआ जी आने वाली हैं। तो बोली मेरी वीडियो मत बना, मैंने कहा अब तो मैंने बना ली वीडियो तो मैं फिर अब मम्मी जी से बात करके मैं बोली मैं ठीक है, मैं जाती हूँ, मैं नहा धो लेती हूँ। अब मैं ऊपर आ गई हूँ जल्दी जल्दी नहा धो के, अब जब जाऊँगी नीचे अब मैं अपना पानी लेके जा रही थी नहाने के लिए। मैं यहाँ पे पौधों में पानी डालने लगी, बहुत गर्मी हो रही है, पौधों में पानी डेली डालना पड़ता है क्योंकि एक दिन भी ना डालो ना, मतलब सुबह डेली सुबह को डालती हूँ फिर भी अगले दिन सुबह को ना मुरझाए मिलते हैं, इसलिए डेली पानी डालना पड़ता है। सब वो तो मना करते हैं कि पानी मत डाल, पानी ज़्यादा डालना अच्छा नहीं होता, पौधे गलने लग जाते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ ना तो पौधे बिल्कुल मुझे तो सूखे सूखे लगते हैं, इसलिए मैं तो पौधों में पानी डाले बिना नहीं रह पाती, चाहे थोड़ा पानी डालूं लेकिन ज़रूर डालती हूँ। और आप लोग कैसे हो सब बताना ज़रा कमेंट करके, ये ज़रूर बताना कि कौन कौन ब्लॉग देख रहा है और कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़। इसमें इलायची डालूंगी, इलायची की चाय बुआ जी को ज़्यादा पसंद है, इसलिए अब मैं नीचे ही बना रही हूँ चाय। बाहर बैठी हैं बुआ जी, अभी आप लोगों को मिलाती हूँ बुआ जी से हल्का सा, मैं अभी किचन में हूँ। भैंस के दूध के कोना पी है ना, ये ना देना क्या अच्छा लग गया से इधर आवता से इतनी मन लेबो करे चलो बाप बाप को मन न्यू का सा लाडू की छोरी ला पूरी वारिया का मन न्यू का सा नहीं बात को क्योंकि सबको चाय दे दी थी। अब थोड़ी देर बुआ जी की बातें सुनूंगी, बैठूंगी बुआ जी के पास।
तो रोटी उड़े को नहीं की बाटी कम है सुन यहाँ पर ये दादी बीमार हो रही थी, हम उन्हें देखने गए थे तो ये बुआ जी आई थी, रोने लगी, इमोशनल होने लगी। अभी जी से मिल के घर जा रहे हैं, घर जाके बताते हैं क्या रहा कैसे रहा। दादी काफ़ी बीमार हो रही थी, थोड़ी सी सैड भी हो रही थी और देखकर भी बहुत अजीब सा लग रहा था एकदम से। तीन से भी आज पहली बार ही मिली हूँ मैं। वो दादी बीमार हो रही है, उनको थोड़ा उल्टी वगैरह होने लगी तो वो उल्टी करने आई, अभी दोनों रोने लगी, इमोशनल होने लगी, बीमार हो रही थी ना दादी। मैंने यहाँ पे की बड़ी मम्मी जी के साथ थोड़ी सी मस्ती, खेत में के तो लाल का गोबर रही है, मुझे मन खा जा फिर देखें देखे के ढंग से गया वन का ठीक से लाइन सारा तो मैचिंग करे बैठी हो तो क्या को सूट मैच ला रहे हैं चन्ने से। ओहो मखाने करके बना दिया तो देख आई हूं तो वो ब्रेड चले को निकले के लिए पकड़ो चावल के और मखाने के हैं बोल रहा है। आज मम्मी मैं डांस करके दिखाऊंगा ब्लॉग में, मुझे आना है आज। मैंने कहा ठीक है आज तू ब्लॉग में लेकिन डांस करके दिखाएगा ना। हाँ। कैसा डांस करके दिखाएगा? बढ़िया डांस। ओके बच्चे को सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक जरूर करना। ओके शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। इसी को हूर मेरे यारा की बाबी हो यहाँ पर ऊपर से लक्की ने वीडियो बना ली चुपचाप, पता भी नहीं चला। मैं नीचे बैठी थी, मम्मी जी खीर बना रही थी। अब मैं ऊपर आऊंगी, पढ़ाई करने का भी टाइम हो रहा है मेरा, मैंने आज पढ़ाई भी नहीं की। अब मैं पढ़ाई करूँगी ऊपर आके और मैं आज आप लोगों को बताती हूँ आज मैंने क्या पढ़ाई की है। अब मैं ऊपर आ रही हूँ, यहाँ पे पापा जी बैठे हैं, नीचे हुक्का पी रहे थे वो। अब मैं जल्दी जल्दी इतनी तेज़ चढ़ती हूँ मैं जीने पे, सब बोलते हैं इतनी तेज़ क्यों चलती है। अब मैं पढ़ाई करूँगी, स्टडी टाइम शुरू हो गया हमारा। आज मैं थोड़ा लेट भी पढ़ने के लिए, चलो कोई नहीं पढ़ लेते हैं अब। ओके अब पढ़ाई शुरू करते हैं। कल हमारा ये कंप्लीट हो गया था एक चैप्टर तो। अच्छा हमारा सूर्य तप चलने वाला था कल, आज हम सूर्य तप पढ़ेंगे। सूर्य की पृथ्वी तक पहुंचने वाले विकिरण ऊर्जा को सूर्य तप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचती है। इसका ये पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करके अभी मिलती हूँ आपसे। ओके वेट, आज की पढ़ाई हमारी डन हो गई है। आज हमने क्या पढ़ा है ये आपको बता दें, इंपॉर्टेंट आज क्या था लगा मुझे वो आप लोगों को मैं डेली बताती हूँ, जो खास बात होती है वो डेली बताती हूँ। तो आज की मुझे क्या खास बात लगी है, सबसे अधिक सूर्य ताप उपोषण जो होता है कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य की किरणें आती हैं वो मरुस्थली जगह जो होती है ना, स्थान जो होता है वहाँ पर आते हैं। उसी के कारण वहाँ पर मेघा जो होते हैं ना, बादल होते हैं वो कम छाए जाते हैं, वहाँ पर सूर्य का तप ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर बारिश ये जो मेघा छाते हैं वो
बहुत कम और छाते हैं तो बहुत ही टाइम समय लेकर पहले पृथ्वी पर छाते हैं, उसके बाद ही आकार मरुस्थली जगह पर आते हैं, ठीक है। और कल का हमारा क्या क्वेश्चन था किसी ने भी कमेंट करके नहीं बताया, कोई बात नहीं, चलो आप लोग कमेंट नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, पता नहीं आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत करती रहूँगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करो, अगर क्वेश्चन नहीं भी पता है तो भी कमेंट करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ओके। और वो कल वाला क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको, ये मैंने आपसे कल क्या क्वेश्चन पूछा था कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, आकाश का रंग नीला होता है धूल कणों के कारण, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, धूल और कण जो होते हैं ना, धूलों के कण जो होते हैं इनके कारण आकाश का रंग नीला होता है, ठीक है। अगर और भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी आपका, ठीक है। आज की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हुई, कल हम क्या पढ़ेंगे वो आगे देखते हैं, कल हम किसी और बुक का पढ़ेंगे, जीके की बुक नहीं पढ़ेंगे, कल हम कोई और बुक पढ़ेंगे, काफ़ी दिन हो गए मुझे जीके क्वेश्चन रिपीट करते रहते आप लोगों के साथ, ओके। तो आज की पढ़ाई यहीं पर ख़त्म, ओके, ब्लॉग भी यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ आज का, कल मिलते हैं, कल कुछ नया लेके आती हूँ, आज तो कुछ खास नहीं लेके आई थी, वो हमारी दादी जी थे वो बीमार हो रही थी तो फिर वहाँ पे गए थे, उनसे मिले, थोड़ा सा सेट से हो गए थे, इस वजह से आज कुछ स्पेशल नहीं ला पाई, उसके लिए सॉरी, और कल मैं कुछ ज़रूर स्पेशल लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, ओके। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, ओके, गुड नाइट।